आज हम लोग जाक दरिदा के विखंडनवाद सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि विखंडनवाद की अवधारणा क्या है। इन बिंदुओं के आधार पर हम इस अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर विखंडनवाद का अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है। जाक दरिदा और पाठ, जाक दरिदा के हिसाब से पाठ क्या होगा, टेस्ट का मतलब क्या है, पाठ का मतलब क्या है। विखंडन का स्वरूप, विखंडन का स्वरूप कैसा होता है। विखंडनवाद के मुख्य सूत्र, मुख्य बिंदु, विखंडनवादी विचारधारा का स्वरूप, विखंडन की प्रक्रिया, दरिदा की विखंडनवादी अवधारणा के मुख्य बिंदु, विखंडनवाद का उद्देश्य, विखंडनवाद की सीमाएं, उसमें क्या कमियां हैं और निष्कर्ष। जाक दरिदा नाम के फ्रांस के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था, विखंडनवाद की अवधारणा प्रस्तुत किया था पश्चिम में। तो इस पर आधारित प्रश्न प्रायः विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मैं इसको समझाने का विनम्र प्रयास करूंगा आगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे, आप सबका अपने हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ताकि जिन विद्यार्थियों के काम का है वही इसे अंत तक देखें। यदि इस अवधारणा को आप भली भांति समझना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। अंग्रेजी के डीकंस्ट्रक्शन के लिए हिंदी में विखंडन शब्द प्रचलित है। मतलब अंग्रेजी में विखंडन के लिए डीकंस्ट्रक्शन शब्द होता है, हिंदी में इसे कहते हैं विखंडन। इसे कुछ लोगों ने विरचनवाद अथवा विनिर्मितिवाद भी कहा है। कुछ विद्वानों ने इसे हिंदी में विरचनवाद अथवा विनिर्मितिवाद भी कहा है। 1960 में जाक दरिदा द्वारा मार्टिन हाइडेगर के अध्ययन से ज्ञान के क्षेत्र में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे विखंडनवाद के रूप में जानते हैं। एक अन्य विद्वान हुए हैं मार्टिन हाइडेगर। मार्टिन हाइडेगर के विचारों का जब ये अध्ययन कर रहे थे, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों का जब अध्ययन कर रहे थे, तब उसी अध्ययन के आधार पर इन्होंने एक नई आंदोलन की शुरुआत की और जिसे हम कहते हैं विखंडनवाद। विखंडनवाद सन 1967 में प्रकाशित जाक दरिदा की पुस्तक आप ग्रामेटोलॉजी की देन है। विखंडनवाद का जन्म कब हुआ, जब जाक दरिदा ने एक किताब लिखी आप ग्रामेटोलॉजी, उसके बाद विखंडनवाद अस्तित्व में आया। दरिदा का जन्म 1930 में अल्जीरिया के एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनका जन्म अल्जीरिया में हुआ था, एक यहूदी परिवार में। 1959 में वे फ्रांस आ गए। उनका समस्त लेखन फ्रेंच भाषा में है। 1959 में वे कहाँ आ गए थे, फ्रांस आ गए थे, और उन्होंने जो भी किताबें लिखी, जो भी उच्चतर शिक्षा प्राप्त की वह फ्रांस में प्राप्त की, इसलिए उन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं वे अधिकांश फ्रांस भाषा फ्रेंच में है। दरिदा को सबसे ज्यादा लोकप्रियता डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा ने दिलाई। मुख्य रूप से यह किस लिए प्रसिद्ध हुए, डीकंस्ट्रक्शन या फिर विखंडनवाद की जो अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत किया उसके लिए यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसकी सैद्धांतिकी के निर्माण में दरिदा ने जिन बातों को आधार बनाया उन्हें पहले हाइडेगर ने बीइंग एंड टाइम में उठाया था। यह मूलतः नीचे की डिमोलिशन की अवधारणा से ली गई है। मतलब यह भी इनका मौलिक विचार आप नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने जिन बातों के आधार पर विखंडनवाद या डीकंस्ट्रक्शन का जो सिद्धांत हमें दिया वह इनसे पहले हाइडेगर नाम के जो विद्वान हुए थे उन्होंने बीइंग एंड टाइम नामक उनकी जो कृति है, उनकी जो रचना है, उसमें यह उठाया था। और यह मूलतः कहाँ से लिया गया है, नीत्से नाम के एक विचारक हुए हैं, नीत्से नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए पश्चिम के, उनके डिमोलिशन की जो अवधारणा थी वहां से यह वास्तव में आई है। विखंडनवाद एक दार्शनिक सिद्धांत के बजाय पाठ को पढ़ने की एक शैली है। विखंडनवाद क्या है, कोई दार्शनिक अवधारणा, दार्शनिक सिद्धांत नहीं है जैसे अन्य सिद्धांत होते हैं। वास्तव में यह क्या है, किसी पाठ को पढ़ने की एक शैली है, एक तरीका है। इसमें माना यह गया है कि कोई लेखक जब अपने पाठ का निर्माण करता है, मतलब जब लेखक कोई अपना कविता लिखता है या कोई साहित्य लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, तो वह अपने परिचित बहुत से दूसरे पाठों के आधार पर ऐसा करता है। और जब पाठक उस पाठ को पढ़ता है तो वह ठीक लेखक वाली प्रक्रिया से ही गुजरता है, इसलिए इस प्रक्रिया में जो पाठ निर्मित होता है वह निश्चित रूप से उस पाठ से भिन्न होता है जिसे लेखक ने लिखा था। मतलब जब कोई भी लेखक कोई रचना लिखता है, कोई रचना करता है, कोई उपन्यास लिखता है, कविता लिखता है, कहानी लिखता है, तो वास्तव में उस प्रकार के अन्य पाठ, उस प्रकार के अन्य साहित्य की रचना पहले हो चुकी रहती है। मतलब कोई भी लेखक कोई नया नई रचना नहीं करता, वास्तव में वह जो रचना कर रहा है उस प्रकार के पाठों को वह पहले भी पढ़ चुका होता है। उसी प्रकार जो पाठक होता है
वह भी उस जब लेखक के पाठ को पढ़ता है, उसके साहित्य को पढ़ता है, तो वह पहली बार उस साहित्य से परिचित नहीं होता रहता। उस प्रकार की पहले भी अन्य प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं जिनको वह पाठक पहले भी पढ़ चुका होता है। इसे इस प्रकार समझते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा है, तो राम की शक्ति पूजा जो है बांग्ला भाषा में रचित कृतिवास रामायण पर आधारित है, और जो कृतिवास रामायण है वह वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत के रामायण है उस पर उसने उसमें से कुछ ना कुछ तत्व उठाया होगा, भगवान राम का चरित्र जो उठाया होगा कृतिवास में। तो इस प्रकार जो निराला की राम की शक्ति पूजा है वह कृतिवास रामायण पर आधारित है बांग्ला भाषा की, और जो कृतिवास रामायण है वो वाल्मीकि रामायण संस्कृत पर आधारित होगी। तो इस प्रकार मतलब जब वह मतलब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जब उन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी होगी तो वह भगवान राम से संबंधित अन्य रचनाओं से परिचित रहे होंगे, उन्हें पढ़ चुके रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने राम की शक्ति पूजा लिख दी, और राम की शक्ति पूजा को जब कोई पाठक पढ़ता है तब वह पाठक भी पहले रामचरितमानस पढ़ चुका होता है, या कृतिवास रामायण पढ़ चुका होता है, या वाल्मीकि रामायण पढ़ चुका होता है, मतलब पाठक भी उसी तरह की रचनाओं से परिचित होता है। तो इसका क्या होता है, तो इसका परिणाम यह होता है इस प्रक्रिया में जो पाठ निर्मित होता है वह निश्चित रूप से उस पाठ से भिन्न होता है जिसे लेखक ने लिखा था। मतलब जब पाठक राम की शक्ति पूजा को पढ़ेगा तो निराला ने जिस भावना को लेकर निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी है और जो पाठक ने जो समझा राम की शक्ति पूजा को, दोनों अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जो पाठ कवि कवि ने लिखा है, लेखक ने लिखा है, वह अलग हो जाता है, वह अलग ही पाठ है, और जो जो पाठक है या जो श्रोता है जो उसको समझ रहा है तो वह क्या होता है, वह अलग ही पाठ बन जाता है। मतलब इस कारण यदि कोई पाठक किसी पाठ को पूरी तरह से समझ लेने की बात सोचता है तो वह व्यर्थ है, क्योंकि बहुत से पाठों के आधार पर निर्मित किसी पाठ का अर्थ हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। तो यदि कोई पाठक यह कहता है कि मैंने राम की शक्ति पूजा को पूरी तरह से समझ लिया है तो वह व्यर्थ है, क्योंकि यह जो पाठ है राम की शक्ति पूजा है वह बहुत सारे अन्य पाठों के आधार पर निर्मित हुआ है, और इसीलिए उस पाठ का जो अर्थ है हर पाठक अपने अपने हिसाब से लगाता है। मतलब जब भी कोई पाठक किसी साहित्य को पढ़ता है तो वह अपने हिसाब से अपने ज्ञान के आधार पर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपनी सामाजिक आर्थिक विभिन्न प्रकार की जो उसकी पृष्ठभूमि होती है उसके आधार पर वह पाठक उस साहित्य का अर्थ लगाता है, उस पाठ का अर्थ लगाता है। मतलब प्रत्येक पाठक या प्रत्येक आलोचक किसी रचना का जो अर्थ लगाता है वह भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसलिए प्रत्येक पाठक किसी पाठ को पढ़ने की प्रक्रिया में एक दूसरा पाठ निर्मित करता है। मतलब राम की शक्ति पूजा निराला जी ने लिख दिया, अब जो पाठक पढ़ रहा है तो वह एक नया पाठ का निर्माण कर देता है अपनी समझ के हिसाब से। इस तर्क के अनुसार सांस्कृतिक जीवन भी बहुत से पाठों की श्रृंखला है जिसमें बहुत से पाठ दूसरे बहुत से पाठों के साथ प्रतिच्छेद करते हुए और अधिक पाठों को निर्मित करते हैं। मतलब जो हम जो जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जो संस्कृति हमको प्राप्त होती है वह भी बहुत सारे पाठों से, बहुत सारे साहित्य से निर्मित होती है। जैसे रामायण है, महाभारत है, या फिर अन्य धर्म ग्रंथ है, कुरान है, बाइबिल है, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब है। मतलब ये धार्मिक नहीं, बहुत सारे साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, जैन धर्म के साहित्य हैं, जातक कथाएं हैं। तो इन सभी पाठों से मिलकर हमारा सांस्कृतिक जीवन निर्मित होता है और इसे एक नया पाठ निर्मित होता है। जैसे पंचतंत्र की कथाएं निर्मित हो जाती हैं, हितोपदेश की कथाएं निर्मित हो जाती हैं, इन सब से मिलकर हमारा संस्कृति का निर्माण होता है और नए नए पाठों का निर्माण होता जाता है इनके आधार पर। तो विखंडनवाद का अभिप्राय क्या है वास्तव में? विखंडनवाद का अभिप्राय होता है भाषा में पहले से निर्धारित या निश्चित कर लिए गए अर्थों को विखंडित कर उनकी जगह ऐसे दूसरे अर्थों को ले आना जिन्हें पूर्व निर्धारित मुख्यार्थ दमित उपेक्षित या गौण बना देते हैं। विखंडनवाद मूलतः भाषा में पूर्व निश्चित मुख्यार्थ की किसी नए अर्थ से विस्थापन की प्रविधि है। यह प्रक्रिया सीधी या इकहरी नहीं, श्रृंखलाबद्ध होती है। मतलब विखंडनवाद का तात्पर्य है किसी कृति को पढ़कर हम जो अर्थ लगाते हैं उसका जो अर्थ लगाते हैं तो वो तो एक पाठक ने उसका अर्थ लगाया, उसके बाद दूसरा पाठक आया उस अर्थ को विस्थापित कर देता है, उसको हटा देता है, वो अपना नया अर्थ वहां पर प्रस्तुत कर देता है। जैसा श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता का बहुत सारे विद्वानों ने भाष्य लिखा है, उसका उसको अपने अपने हिसाब से उन्होंने उसका परिभाषित किया है, उसको व्याख्या किया है उसका। तो हर विद्वान की व्याख्या किसी दूसरे विद्वान से अलग होती है। जैसे एक शब्द है पंकज, पंकज क्या है, पंकज का रूढ़ अर्थ क्या होता है, कमल होता है, लेकिन पंकज का एक अर्थ और होता है, कौन सा होता है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो पंकज का जो मुख्य अर्थ है वह क्या है, कमल,
लेकिन उसका जो गौड़ अर्थ है जो उससे कम महत्वपूर्ण है वह कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला होता है। तो विखंडनवाद क्या कहता है कि पंकज का जो मुख्य अर्थ है, पंकज पंकज का जो मुख्य अर्थ है कमल है, कमल को हटाकर कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थ उसका स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार यह विखंडन की प्रक्रिया चलते होते हैं, चलती जाती है। जैसे कि जो परमाणु बम है, परमाणु बम में विखंडन होता है, एक एटम दूसरे एटम को तोड़ता है, दूसरा एटम तीसरे एटम को तोड़ता है, वैसे ही मुख्य अर्थ को गौड़ अर्थ विस्थापित कर देता है और उसकी जगह ले लेता है, फिर दूसरा अर्थ आता है वह उसको विस्थापित कर देता है। यह है, तो यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। विखंडनवाद किसी भी टेस्ट, टेस्ट मतलब पाठ या साहित्य या उपन्यास या कविता, इसको बोलते हैं टेस्ट। विखंडनवाद किसी भी टेस्ट में मौजूद अर्थ को निश्चित, पक्का और पूरा नहीं मानता। विखंडनवाद यह कहता है कि किसी भी टेस्ट का, किसी भी पाठ का कोई अंतिम अर्थ नहीं होता है, कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, पूरा अर्थ नहीं होता है। वह नहीं मानता कि किसी टेस्ट या पाठ की पूरी तरह और अंतिम रूप से व्याख्या की जा सकती है। विखंडनवाद का यह मानना है कि किसी भी साहित्य या किसी भी टेस्ट या किसी भी पाठ की पूरी तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती, पूरी तरह से व्याख्या किया जाना असंभव होता है। और उसका मानना है कि हर पाठ कुपाठ है, मिसरीडिंग है, मतलब कोई भी पाठ पूरा पाठ नहीं होता, कोई भी पाठक किसी भी पाठ का पूरा अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए कोई भी पाठ, कोई भी रीडिंग क्या है, मिसरीडिंग है, मतलब उसको पढ़कर समझा नहीं जा सकता, मतलब हर बार नए नए अर्थ आते रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जैसे आप अपने कॉलेज में या अपने उसमें बैठे हुए अपने बेंच में, और एक दूसरा स्टूडेंट आकर आपको हटा देता है, वो आपकी जगह में बैठ जाता है, अब वो आपके उसमें कब्जा कर लिया आपकी जगह में। कुछ देर के बाद एक तीसरा स्टूडेंट आता है, वो जो दूसरा स्टूडेंट जो आपकी सीट पर बैठा है उसको हटा देता है, उसकी जगह पर बैठ जाता है। तो ऐसे ही विखंडनवाद में एक अर्थ को हटाकर दूसरा अर्थ उसकी जगह ले लेता है, और बाद में तीसरा अर्थ आकर दूसरे अर्थ का जगह ले लेता है, यही विखंडनवाद है। जाग दरिद्रा और पाठ, जाग दरिद्रा के अनुसार पाठ या टेस्ट का मतलब क्या होता है देखते हैं। विखंडन को समझने के लिए पाठ को समझना अनिवार्य है। पाठ मतलब टेस्ट या कोई कृति। पाठ या टेस्ट, पाठ की संरचना मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है। जाग दरिद्रा के अनुसार पाठ दो प्रकार के होते हैं, पहला साहित्येतर पाठ, दूसरा साहित्यिक पाठ। साहित्येतर पाठ क्या होते हैं? साहित्येतर पाठ मतलब होता है जो साहित्य नहीं है, जैसे जो अर्थशास्त्र का पाठ है, इतिहास की कोई कृति है, अर्थशास्त्र की कृति है, वैज्ञानिक कृति है, इसे बोलते हैं साहित्येतर पाठ, साहित्य से हटकर साहित्य से अलग। दूसरा होता है साहित्यिक पाठ। साहित्यिक पाठ में पूरा साहित्य आता है, हमारा उपन्यास है, कविता है, कहानी है, ये सारे साहित्य में आते हैं। पाठ के रूप में दोनों प्रकार की रचनाएं अलग अलग और विशिष्ट होती हैं। दोनों प्रकार की रचनाओं के पाठ अलग अलग होते हैं। साहित्येतर पाठ क्या होता है? साहित्येतर पाठ मूलतः अभिधा प्रधान बौद्धिक अभिव्यक्ति होने के कारण अर्थ के डिकोडिंग में अभिधा परक होती है। साहित्येतर पाठ मतलब जैसे अर्थशास्त्र है, विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, ये साहित्येतर पाठ में जो लिखा होता है उसका वही अर्थ निकलता है। जैसे तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा मतलब होता है जो पढ़ते हैं वही उसका अर्थ निकलता है। तो साहित्येतर पाठ चूंकि बुद्धि से संबंध रखता है, तर्क से संबंध रखता है, इसलिए साहित्येतर पाठ को समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वह सीधा जो पढ़ते हैं वही उसका अर्थ निकलता है। लेकिन जो साहित्यिक पाठ क्या होता है? जबकि साहित्यिक पाठ की अर्थ की डिकोडिंग, अर्थ की डिकोडिंग मतलब अर्थ को समझना, साहित्यिक पाठ अर्थ की डिकोडिंग में अजनबीपन लिए होती है। अजनबीपन इसलिए क्योंकि साहित्यिक पाठ अर्थ की अनेक व्याप्तियों मतलब वेरियस मीनिंग्स को अपने में समाहित रखता है, इसलिए साहित्यिक रचनाओं की भाषा को हमेशा नए सिरे से देखना और पहचानना पड़ता है। अब जो साहित्य होता है, साहित्य का जो सृजन होता है वह हमारी कल्पना, हमारी भावना के आधार पर होता है, इसलिए हम जो पढ़ते हैं वास्तव में उसका अर्थ वही नहीं निकलता, क्योंकि इसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो हम पढ़ते हैं उससे उसका अर्थ अलग ही निकलता है। इसीलिए साहित्यिक पाठ को समझने के लिए हमको अपनी भावनाओं का, अपनी कल्पनाओं का भी सहारा लेना पड़ता है, और इसीलिए साहित्यिक पाठ में कई प्रकार के मीनिंग्स निकलते हैं, क्योंकि उसके जो अर्थ होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के अर्थ समाहित होते हैं। इसीलिए साहित्यिक पाठ को पढ़ने वाला हर जो पाठक होता है अपने अपने आधार पर उसका अर्थ निकालता है। साहित्येतर पाठ को जो भी पाठक पढ़ेगा एक ही अर्थ निकालेगा, लेकिन जो साहित्यिक पाठ है उसको पढ़ने वाला हर पाठक अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालता है, हर आलोचक उसको अपने अपने हिसाब से उसकी समीक्षा करता है। विखंडन का स्वरूप, विखंडन का स्वरूप कैसे होता है? विखंडन डीकंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है, मैं ऊपर बता चुका हूं। यह पारिभाषिक पद नहीं है, यह निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। विखंडन कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है, इसका अर्थ देना बहुत मुश्किल है,
यह निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है, क्योंकि कोई नया अर्थ आकर पुराने अर्थ को हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इसलिए विखंडन की यह जो प्रक्रिया है, अर्थ को हटाकर उसके जगह में नया अर्थ स्थान लेता है, तो यह जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है, इसलिए यह परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसे पाठ की नवीन पद्धति, मतलब किसी को पढ़ने की नवीन पद्धति, लिखने की नवीन पद्धति, आलोचना की नवीन दृष्टि, आलोचना के नया दृष्टिकोण तथा अर्थ मीमांसा की नवीन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। मतलब इसमें तीन प्रकार की प्रक्रिया शामिल है, एक तो पाठ को लिखने की प्रक्रिया, पाठ को पढ़ने की प्रक्रिया, और पाठ को पढ़कर समझने तथा उसकी आलोचना करने की प्रक्रिया, और इसका नवीन दृष्टिकोण। नए नए आलोचक आते हैं, नए नए पाठक आते हैं। जाग दरिद्र ने विखंडन को नवीन अर्थ दिया है। जाग दरिद्र ने विखंडन को इस प्रकार का अर्थ दिया है, उनके अनुसार विखंडन पाठ आधारित अवधारणा है। मतलब विखंडन का संबंध मुख्य रूप से पाठ से है, टेस्ट से, मतलब उस साहित्य से है जिसको किसी लेखक ने रचा है। दूसरा, भाषा में लिखा या रचा गया हर पाठ विखंडन होता है। मतलब वह हर चीज जो भाषा में जिसको हमने लिखा है या फिर जो रचित है, जैसे साहित्य कविता है, कहानी है, गीत है, गजल है, जो भी है, इतिहास है, पुराण है, सभी का विखंडन होता है। विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ की गहराई में ऐसे अर्थों तक पहुंचा जा सकता है जो गौण बना दिए गए। मतलब विखंडन के माध्यम से हम मुख्य अर्थ को ही नहीं समझते, बल्कि हम गहराई में जाकर उस अर्थ को भी समझते हैं जिसे गौण बना दिया गया है। जैसे आप राम की शक्ति पूजा में हम देखते हैं कि वह केवल भगवान राम की निराशा और उसके आधार पर हम उसकी समीक्षा नहीं करें कि भगवान राम निराश है कि वह सीता को हासिल नहीं कर पा रहे, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, बल्कि उसको हम गौण अर्थों में जाकर जब हम देखेंगे तो निराला के जीवन की जो जीवनानुभूति है, उनके जीवन में जो निराशा है, जो हताशा है, जो पराजय बोध है, उसके रूप में भी हमको जाकर देखना होगा। तो यह उसका गौण अर्थ है। मुख्य अर्थ है भगवान राम की व्यवस्था, और इसका जो गौण अर्थ है वह निराला जी की जीवन की व्यवस्था है, तो उसको जाके हमको समझना है। विखंडनवाद के मुख्य सूत्र कौन से होंगे? विखंडनवाद के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? मुख्य सूत्र, भाषा ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। दूसरा, भाषा में शब्दों का अर्थ निश्चित नहीं होता, अर्थ स्थिति मूलक या पारिस्थितिक होते हैं। मतलब किसी भी भाषा में जो अर्थ होते हैं वे संदर्भ के आधार पर उस शब्द का अर्थ निकलता है, वास्तव में शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। जिन स्थितियों में जिन संदर्भों में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वही वास्तव में उसका अर्थ होता है। तीसरा, भाषा में शब्द की स्थिति वह संदर्भ देखकर अर्थ ग्रहण करना होता है। जैसे भाषा में शब्द की स्थिति और संदर्भ देखकर अर्थ ग्रहण करना होता है, जैसे कुत्ता शब्द है, यदि हम किसी को अपमानित करने के लिए बोलते हैं कि वह तो पूरा कुत्ता है, तो यह क्या हो गया? गाली होगी। लेकिन यदि हम बोलते हैं कि वह अमुक व्यक्ति का कुत्ता है, मतलब यह बोला जाएगा कि वह उसका स्वामी भक्त है, उसके प्रति लॉयल है, उसके प्रति वफादार है, तो एक तरफ तो कुत्ता गाली हो गई और दूसरी तरफ कुत्ता क्या होगा? वफादारी का प्रतीक हो गया। तो भाषा में शब्द की जो स्थिति होती है वह हमको उसकी स्थिति और संदर्भ को देखकर हमको उसका अर्थ लगाना पड़ता है। तीसरा, चौथा, अर्थ का निश्चय करने के लिए जिन अर्थों को मुख्य समझा जाता है उनका विस्थापन अन्य अर्थों में करना होता है ताकि वर्चस्व का विखंडन हो सके। वर्चस्व मतलब जो अपना बिल्कुल दादागिरी बनाकर रखा हुआ है कि मेरा तो यही अर्थ होगा, तो उसको क्या विखंडन के माध्यम से उस अर्थ को हटा दिया जाता है और गौण अर्थ उसका स्थान ले लेता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था पंकज का अर्थ होता है कमल, यह तो मुख्य अर्थ हो गया। अब ऐसा नहीं कि कमल ने बिल्कुल अपने अर्थ का वर्चस्व बना लिया है कि नहीं पंकज मतलब कमल ही होगा, कमल के सिवा कोई अर्थ नहीं हो सकता पंकज का, तो यह क्या हो गया? उसका वर्चस्व हो गया। तो विखंडनवाद क्या बोलता है? इसको हटा दो, जो मुख्य अर्थ है इसको विस्थापित कर दो, इसको हटा दो और गौण अर्थ को आने दो उसको जगह में। तो पंकज क्या हो गया? पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला गौण अर्थ। तो विखंडनवाद यह कहता है कि कमल जो पंकज का मुख्य अर्थ है, तो कमल को हटाकर कीचड़ में उत्पन्न होने वाला गौण अर्थ है वह उसकी जगह ले लेगा, ताकि वर्चस्व को हटाया जा सके, वर्चस्व का विखंडन किया जा सके। विखंडनवादी विचारधारा का स्वरूप क्या है? विखंडन वैचारिक रूप से मानता है कि आलोचना लेखन का ही एक तरीका है जिसके माध्यम से किसी चीज की तलाश नहीं की जाती, बल्कि आलोचना उस पाठ में अर्थ का निर्माण ही करता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आलोचना रचना की तरह रचनात्मक भी होती है, क्योंकि जिस तरह रचना पाठ में अर्थ का निर्माण करती है उसी तरह आलोचना भी पाठ में अर्थ का निर्माण करती है। अतः रचना और आलोचना दोनों ही किसी पाठ में अर्थ के निर्माण के दो तरीके हैं जो न तो छोटे हैं और ना ही बड़े, बल्कि दोनों एक समान।
तो विखंडन का मानना यह है कि आलोचना जो होता है वह किसी नई चीज की तलाश नहीं करता बल्कि वह उस पाठ में अर्थ का ही निर्माण करता है। मतलब आलोचना भी पाठ के अर्थ की व्याख्या करता है, उसका निर्माण करता है, और जो पाठ है जो टेस्ट है वह भी अर्थ का निर्माण करता है। इस प्रकार ना तो आलोचक छोटा है ना ही लेखक छोटा है। आलोचक और लेखक दोनों का काम होता है पाठ में अर्थ का निर्माण करना, अर्थ को समझाना। इस तरह रचना और आलोचना दोनों ही बराबर है। तो इस प्रकार विखंडनवाद आलोचक और लेखक दोनों को ही बराबर महत्व प्रदान करता है और आलोचना और मूल पाठ दोनों को ही बराबर महत्व प्रदान करता है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। विखंडन की विचारधारा में ट्रेस मीनिंग का विशेष महत्व है। डेरिडा का मानना है कि किसी पाठ के मूल अर्थ तक पहुंचने के लिए संस्कृति का द्वार हमेशा खुला होता है। संस्कृति में उस मूल अर्थ को तलाशने की प्रणाली मौजूद होती है। मूल अर्थ की तलाश में उस पाठ में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्तियों तक पहुंचना डेरिडा के अनुसार ट्रेस मीनिंग है। ट्रेस मीनिंग मतलब जहां से उस शब्द ने जन्म लिया है उस शब्द के जड़ तक पहुंचना ट्रेस मीनिंग है। विखंडन का यह भी उद्देश्य होता है। जैसे मैंने बताया, जैसे राम की शक्ति पूजा का मूल अर्थ क्या हो गया? मूल अर्थ तो यह हो गया राम की शक्ति पूजा का, जो हमको परंपरा से प्राप्त हुआ है, वाल्मीकि रामायण से या कृतिवास रामायण से प्राप्त हुआ है, जिसमें राम की व्यवस्था का वर्णन है, वह उसका मूल अर्थ हो गया। लेकिन ट्रेस मीनिंग वास्तविक अर्थ तक पहुंचने के लिए, मूल अर्थ तक पहुंचने के लिए हमको निराला जी के जीवन में भी झांकना पड़ेगा, तब हम जाकर कम उसको सही ढंग से समझ पाएंगे। या फिर भगवान राम से संबंधित जितने भी साहित्य हैं, सबसे पौराणिक साहित्य हो गया वाल्मीकि रामायण, वहां उसकी जड़ तक हम जाएंगे तब हम उसके मूल अर्थों को समझ पाएंगे, और यही ट्रेस मीनिंग है। अब विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है? विखंडन की प्रक्रिया जैसे परमाणु का एटम बम का विखंडन होता है, वैसे ही कृति में कैसे विखंडन होगा? विखंडन पाठ, विखंडन मतलब पाठ, लिखित भाषा के रूप में रचना को पाठ कहा जाता है। विखंडन पाठ केंद्रित समीक्षा प्रणाली है जो निरंतर प्रवाहमान रहती है। अब विखंडन क्या है? एक समीक्षा प्रणाली है, मतलब नए नए आलोचक आते रहेंगे और नए नए आलोचक अपनी अपनी तरह से उसका उसकी आलोचना करते रहेंगे, उसकी समीक्षा करते रहेंगे। मतलब विखंडन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विखंडन उच्चरित भाषा की जगह लिखित भाषा को महत्व देता है। लेखन उच्चरित भाषा की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। मतलब विखंडन किसको महत्व देता है? लिखित भाषा को महत्व देता है, उच्चारित भाषा को महत्व नहीं देता। जो हम बोल रहे हैं उसको महत्व नहीं देता, जो हमने लिखा है उसको महत्व देता है, क्योंकि उच्चरित भाषा की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। लेखन क्या है? मतलब लेखन वह है जो हम बोल रहे हैं उसको हम लिपि चिन्हों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी बोल रहा हूं तो देवनागरी लिपि में हम हिंदी को लिखते हैं, तो लेखन क्या है? उच्चरित भाषा जिसको हम बोलते हैं उसकी चित्रात्मक अभिव्यक्ति है लिपि के रूप में। विखंडन प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण शब्द रूप है। विखंडन के ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपको इनका लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको सही नंबर मिलेगा कि आपने सही परिप्रेक्ष्य में इसको समझा है। पहला है भिन्नता, दूसरा जिसको डिफरेंस कहा जाता है, दूसरा निशान या संस्कार, इसको बोलते हैं ट्रेस, और तीसरा है आद्य लेखन प्रिमिटिव राइटिंग। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। भिन्नता का मतलब क्या है? भिन्नता का संबंध पाठ की भाषिक संरचना से है। डेरिडा का मानना है कि शब्द अपर्याप्त और अपूर्ण अभिव्यक्ति के साधन मात्र हैं। वे जितनी अभिव्यक्ति देते हैं उससे कहीं ज्यादा अभिव्यक्ति को विलोपित करते हैं अर्थात छुपाते हैं। ये चिन्ह हमें उस दिशा की ओर प्रेरित करते हैं जो वे वास्तव में नहीं है, जो चिन्ह में नहीं है उसे कैसे तलाशा जाए। तो वास्तव में यहाँ पर डेरिडा का मानना है कि जो शब्द होते हैं उनके अर्थ अपूर्ण होते हैं। जो शब्द होते हैं उनका अर्थ अपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वे परिस्थिति और संदर्भ के आधार पर डिपेंड करते हैं। अर्थ का, किसी भी शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। अब उस शब्द का निश्चित अर्थ यदि हमको जानना है तब हम वो शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है वहां तक जाना पड़ेगा, उसको ट्रेस करना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। मतलब शब्द वो होते हैं जो हमको थोड़ा सा अर्थ प्रदान करते हैं और छुपाते ज्यादा हैं, मतलब बताते कम है और छुपाते ज्यादा हैं, तो हमको उसको मूल अर्थ तक कैसे पहुंचे, ये है भिन्नता। अब निशान क्या होता है? जो चिन्ह में नहीं है उसे कैसे तलाशा जाए, जो अर्थ हमको पता नहीं उस अर्थ तक हम कैसे पहुंचे। इस सवाल का जवाब देते हुए डेरिडा कहते हैं कि निशान या ट्रेस के माध्यम से अनुपस्थित अर्थ तक पहुंचा जा सकता है। निशान और कुछ नहीं भाषा का मौन अंतराल है। मतलब भाषा जहां पर साइलेंट हो जाती है, थोड़ा सा तो कहती है, बहुत सारा छुपा देती है, तो उसको जब व्युत्पत्ति तक हमको पहुंचना है तो उसको सांस्कृतिक संदर्भों तक पहुंचकर हम उसको समझ पाएंगे कि उसका जन्म कहाँ से हुआ है, कहाँ से यह शब्द हमारे जीवन में आया, किस संस्कृति का यह हिस्सा है, यह शब्द कब इसने जन्म लिया, इसकी यात्रा क्या है शब्द की, तो इसको बोलते हैं निशान। और इसको बोलते हैं आद्य लेखन। आद्य लेखन क्या है? भाषा पाठ का अनुपस्थित अर्थ ही आद्य लेखन है।
इस आद्य लेखन तक पहुंचना ही विखंडन की सार्थकता है। अब आद्य लेखन क्या है? उस भाषा का जो अनुपस्थित अर्थ है, जैसे जो पंकज है, पंकज मतलब मुख्य अर्थ तो कमल हो गया, जो उपस्थित है, जो दिखाई दे रहा है, और अनुपस्थित अर्थ क्या है? कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो उस ये जो अर्थ अनुपस्थित है, पंकज का कीचड़ में जन्म लेने वाला जो अर्थ है यह अनुपस्थित है, उस अर्थ को, यही जो अर्थ है, यह जो अनुपस्थित अर्थ है, इसे कहते हैं आद्य लेखन। और इस आद्य लेखन तक पहुंचना विखंडन की सार्थकता है। और इसी विखंडन की सार्थकता, इसी जो गुमनाम मीनिंग है, जो बिल्कुल छुपा हुआ मीनिंग है, गॉड मीनिंग है, जैसे पंकज का है ना, कीचड़ में जन्म लेने वाला, वहां तक पहुंचना ही विखंडन की सार्थकता है। विखंडन का उद्देश्य है कि उसी मीनिंग तक पहुंचना है उसको, पंकज के। अब दरिद्र की विखंडनवादी अवधारणा के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? यह सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने समराइज किया, इसको संक्षेप में बताया है कि दरिद्र के विखंडनवादी अवधारणा के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। विखंडनवाद में न रचना को बड़ा माना गया है, ना समीक्षा को, दोनों को, आलोचना या समीक्षा दोनों को बराबर माना गया है। दोनों ही रचनाएं, क्योंकि दोनों में प्रामाणिक अनुभव होते हैं। जो कवि या रचनाकार है उसका जो अनुभव है वह भी प्रामाणिक अनुभव है, जो आलोचक का अनुभव है, जो पाठक का अनुभव है, वह भी प्रामाणिक अनुभव है। किंतु ये अनुभव पाठ केंद्रित ही होते हैं, लेकिन ये जो अनुभव है यह पाठ से बाहर के अनुभव नहीं होते, पाठ कर पढ़कर जो अनुभव होता है वही होता है। विखंडनवाद साहित्य मतलब पाठ और समीक्षा में कोई भेद नहीं मानता, और न ही वह इस बात को स्वीकारता है कि सर्जक समीक्षक से बड़ा होता है और कृतिकार की भाषा समीक्षक की भाषा से उच्च कोटि की होती है। तो विखंडनवाद क्या कहता है कि जो जो कवि है या जो रचनाकार है वह समीक्षक से बड़ा नहीं होता, वह आलोचक से बड़ा नहीं होता। दूसरा, वह यह भी कहता है कि समीक्षक की जो भाषा है, ऐसा भी नहीं होता कि जो रचनाकार है या कृतिकार है उसकी जो भाषा है वो समीक्षक की भाषा से, आलोचक की भाषा से अच्छी है। मतलब विखंडनवाद आलोचक और रचनाकार दोनों को एक ही बराबर मानकर चलता है, समान मानकर चलता है, किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानता, दोनों को बराबर मानता है। दरिद्र ने अपनी पुस्तक आप ग्रामेटोलॉजी में स्पष्ट किया है कि सस्योर ने लिखित पाठ की संरचना में अंतर्निहित दूसरे अर्थ की बात कहकर लेखन को द्वितीय श्रेणी का बना दिया है। सस्योर नाम के जो भाषाविद हुए हैं उनका कहना है जो लेखन है वो दूसरे दर्जे का है, क्योंकि वास्तव में हम जो बोलते हैं वही वास्तविक अर्थ होता है, और जब हम उसको लिख देते हैं तो लिखित की भाषा जो जो हमारी रचना है उसकी भाषा अलग हो जाती है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। मतलब दरिद्र ने सस्योर क्या कहते हैं कि जो हम बोलते हैं, जिसका हम उच्चारण करते हैं, वही वास्तविक भाषा है, वही उसका वास्तविक अर्थ है, लेकिन जब हम उसको लिख देते हैं तब उसका अर्थ बदल जाता है। मतलब सस्योर जो है उच्चारित भाषा को, बोली गई भाषा को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं और लेखन को दोयम दर्जे का मानते हैं। तो दरिद्र का क्या कहना है? दरिद्र के अनुसार सस्योर की यह धारणा है कि भाषा का लिखित रूप जीवंत नहीं होता, दोयम दर्जे का काम होता है, जीवंत नहीं होता, बोला हुआ रूप जीवंत होता है, पूर्णतः भ्रामक है। दरिद्र की दृष्टि में लेखन ही तो भाषा की पूर्व शर्त है। तो उसके क्रम को उलट देते हैं। दरिद्र का मानना है कि जो लिखित भाषा है या हम जो हमने लिखा है वह उच्चारित भाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखन भाषा का वह व्यापार है जो भाषा को अनुशासित करता है और अर्थ को नाना संदर्भों से जोड़ता है। मतलब दरिद्र का कहना है कि जो लेखन है वह भाषा का वह व्यापार है, भाषा का वह कार्य है जो भाषा को अनुशासित करता है। निश्चित रूप से जब हम लिखते हैं तो वह ज्यादा शुद्ध रूप में हम उसको लिखते हैं, व्याकरणिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं, उसमें अलग अलग पाठक पढ़कर अलग अलग अर्थ लगाता है, अलग अलग आलोचक अलग अलग अर्थ लगाता है, तो यह अर्थ को विभिन्न संदर्भों से जोड़ता है, इसलिए लिखित भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है, रचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरिद्र भाषा और अर्थ थाट के विषय में विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि अर्थ के अनुरूप शब्द का चयन लेखक करता है। मतलब लेखक क्या है, पहले उसके मन में अर्थ आता है और उस अर्थ के हिसाब से वह शब्दों का चयन करता है। अतः अर्थ की स्थिति पहले और शब्द की स्थिति बाद की है। दरिद्र अर्थ को ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदान महत्वपूर्ण स्थिति में लेकर आते हैं, महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करते हैं और बोलते हैं शब्द उसके बाद की स्थिति है, जबकि अधिकांश विचारक इससे उल्टा शब्द की स्थिति पहले और अर्थ की स्थिति बाद में मानते हैं। अधिकांश विचारकों का यह कहना है कि शब्द की स्थिति पहले होती है, बाद में उसके अर्थ का निर्धारण होता है। दरिद्र के विखंडनवादी दृष्टि का यह केंद्रवर्ती बिंदु है और इससे यह प्रतिपादित होता है कि जहां सस्योर संरचना को महत्व देता है, जबकि दरिद्र संरचना के विखंडन को महत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार सस्योर जो है पूरी कृति की संरचना को महत्व प्रदान करते हैं, कृति को समग्रता समग्र रूप में देखते हैं, टोटल प्रभाव क्या पड़ रहा है उस कृति का वह देखते हैं, जबकि दरिद्र क्या कहते हैं किसी भी कृति को वह छोटे 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 हिस्सों में बांट कर देखते हैं।
तो सस्यूर समग्र रूप से देखते हैं किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं, और दरिदा जो है उसके विखंडन करके उसके छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे हिस्सा करके उनका आलोचना करते हैं, उनके विखंडन को महत्व प्रदान करते हैं। दरिदा विखंडन को एक प्रकार की भाषाई रणनीति मानते हैं, पढ़ने की रणनीति मानते हैं। विखंडन रचना के पार्थक्य पर बल देकर अब तक छिपे हुए अर्थ की इंगित संकेत या इशारा पर ध्यान केंद्रित करता है। दरिदा चिंतन के हर आयाम पर विखंडन लागू करना चाहते हैं। तो दरिदा के विखंडनवाद का जो मुख्य लक्ष्य है वह है किसी रचना को पढ़ने पर उसके जो छुपे हुए अर्थ हैं, उसके जो गौण अर्थ हैं, जो हमारे सामने नहीं आ पाए, उन अर्थ को सामने लेकर आना है। मतलब जो छुपे हुए अर्थ हैं उनकी ओर यह विखंडनवाद इशारा करता है कि इसके छुपे हुए कौन से अर्थ हैं, उनको हमको ढूंढकर सामने लाना है। तो दरिदा चिंतन के जितने भी आयाम होते होंगे, जितने भी वैचारिक दृष्टिकोण होते होंगे, उन पर यह विखंडन लागू करना चाहते हैं। वे विखंडन को पाठ पढ़ने की ऐसी रणनीति मानते हैं जो पूर्व निर्धारित पाठ संरचना के गृहित अर्थ से भिन्न अर्थों के संधान अर्थ तक पहुंचने में सहायक होती है। मतलब विखंडन पाठ को पढ़ने की ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी रणनीति है, ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से पहले जो पाठ को पढ़ा गया और पाठ का जो अर्थ निकाला गया है उस अर्थ को हटाकर उसके नए अर्थ तक पहुंचने का एक माध्यम है। दरिदा ने बताया कि मार्क्स और लेनिन के पाठ टेस्ट को विखंडित करके पढ़ा जाना चाहिए, जिसे पाठ में छिपे पूर्व निश्चित अर्थ व्यंग के अतिरिक्त उस पाठ की अनेकार्थता को खोजा जा सके। तो दरिदा ने क्या कहा है, जो मार्क्स और लेनिन नाम के बड़े बड़े विचारक हुए हैं, मार्क्सवादी विचारक, इनकी रचनाओं को दोबारा से पढ़ा जाना चाहिए और विखंडित करके पढ़ा जाना चाहिए, जिसके कारण पूर्व में जो हमने जो अर्थ ग्रहण किए हैं, इसके पूर्व के पाठकों ने आलोचकों ने मार्क्सवाद का जो अर्थ ग्रहण किया है उसको जब हम विखंडित कर पढ़ेंगे तब उसमें छिपे हुए नए अर्थ हमारे सामने उजागर होंगे। दरिदा के विखंडनवाद में संरचनावाद से साम्य भी है और वैषम्य भी है। संरचनावाद किसी कृति को समग्रता में देखता है, विखंडनवाद छोटे छोटे टुकड़ों में देखता है, लेकिन उससे कुछ समानता भी है, असमानता भी है। दरिदा संरचनावाद की इस धारणा से सहमत है कि पाठ की सत्ता लेखक से स्वतंत्र होती है, अर्थात पाठ का अर्थ पाठ की संरचना से ही अनुसूत गुथा हुआ होता है, बाहर से आरोपित नहीं होता है। मतलब जैसे कोई लेखक किसी पाठ को लिख देता है तो वह पाठ उस लेखक से अलग हो जाता है। अब जो उसका अर्थ है, मतलब पाठ की जो सत्ता है, पाठ का जो अर्थ है, वह उस पाठ के अंदर से ही पाठक ग्रहण करता है, या फिर आलोचक उस पाठ के अंदर से ही अर्थ को ग्रहण करता है, बाहर से कोई अर्थ उस पर आरोपित नहीं करता, बाहर से कोई उस पर अर्थ ग्रहण नहीं करता। आठवां, एक ही पाठ या टेस्ट की शब्द अलंकार दर्शन और साहित्य की अनेक बिंदुओं के आधार पर की गई समीक्षा विखंडन का कार्य है। विखंडन का मुख्य कार्य है किसी साहित्य कृति या किसी भी रचना या किसी भी पाठ या टेस्ट का शब्द के आधार पर, अलंकार के आधार पर, दर्शन के आधार पर, साहित्य के अनेक बिंदुओं के आधार पर उसकी समीक्षा करना विखंडन का कार्य है। मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका विखंडन करना, उसकी आलोचना करना, उसको समझना। विखंडनवाद के अनुसार एक ही पाठ की दो व्याख्याएं हो सकती हैं और अनेक भी। अर्थ का निर्णायक अब लेखक नहीं अपितु पाठक और उसके पढ़ने की पद्धति है। जैसे राम की शक्ति पूजा निराला की, तो वह निराला की शक्ति पूजा को एक जो पाठक या आलोचक है अपनी तरीके से उसको समझेगा, उसकी आलोचना करेगा। एक पाठक अपने तरह से समझेगा, दूसरा पाठक उसको अपने हिसाब से समझेगा, तीसरा पाठक अपने हिसाब से समझेगा। एक आलोचक अपने हिसाब से आलोचना करेगा, दूसरा अपने हिसाब से करेगा। कुल मिलाकर उस पाठ की जो व्याख्या है उसका निर्णय कौन करेगा, अर्थ का निर्धारक कौन है, जो पाठक है या फिर आलोचक है या फिर उसके पढ़ने की पद्धति है, किस दृष्टिकोण से वह देखता है, कि वह मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण से देखता है, कि मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर देखता है, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी है। तो यह है दसवां विखंडन, पाठ और लेखन को नए ढंग से समझने की प्रक्रिया है। किसी भी पाठ को, किसी भी रचना को और किसी भी लेखन को नए प्रकार से समझने की प्रक्रिया है। विखंडन के अनुसार प्रत्येक पाठ पढ़ने पर पूरे अर्थ का नहीं अधूरे अर्थ का द्योतन कराता है, इसीलिए वह हर बार पढ़े जाने पर नया होता है, नए अर्थों को उद्घाटित करता है। मतलब जैसे आप एक बार राम की शक्ति पूजा को पढ़े, आपने एक बार अर्थ लगाया, बाद में कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा नया अर्थ मिलेगा, है ना। तो प्रत्येक पाठ को पढ़ने पर एक बार में आपको पूरा अर्थ नहीं मिलता, और हर बार जो आपको अर्थ मिलता है वह अधूरा अर्थ होता है, इसीलिए हर बार जब आप उसको पढ़ते हैं अब आपको नया लगता है, नए अर्थों को उद्घाटित करता है। पाठ का कोई पठन स्थायी और अंतिम नहीं होता, वरन तात्कालिक होता है। मतलब किसी भी पाठ को हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ जो हम समझते हैं, उसका अर्थ का निर्धारण करते हैं, वह अंतिम नहीं होता, वह तात्कालिक होता है, कि उस समय हमने जो समझा वह अंतिम नहीं होता। विखंडन की प्रक्रिया पाठ के दोहराने, बिखराने और कई बार प्रतिरूपण, मतलब नया प्रतिरूप तैयार करने द्वारा संपन्न होती है। इस प्रकार दरिदा पाठ के बाहर कुछ नहीं मानते। मतलब दरिदा कहते हैं
कि पाठ का जो अर्थ है वास्तव में पाठ में ही समाहित होता है, पाठ के अंतर्गत ही होता है। और जितने बार हम पाठ को पढ़ते हैं, जितने बार हम उसको दोहराते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर जब हम उसका अध्ययन करते हैं और या उसका प्रतिरूप बनाते हैं, नए नए तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, इसी के माध्यम से विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार जो पाठ का जो अर्थ है वास्तव में पाठ में ही होता है, बाहर से हमको उस पर अर्थ आरोपित करने की जरूरत नहीं होती, पाठ से बाहर कुछ भी नहीं होता है। अब विखंडनवाद का उद्देश्य क्या है, विखंडनवाद को लाने की जरूरत क्या पड़ी? तो पहला है श्रेष्ठ और कालजयी साहित्य का पुनर्पाठ। जैसे हमारे रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् गीता भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत गीता है, या फिर हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको जब हम आज पढ़ते हैं, पुनर्पाठ करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो समय के विकास के साथ साहित्य के भीतर पड़े दमित व गौड़ अर्थ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे महाभारत में एकलव्य का प्रसंग है, वह गौड़ प्रसंग है कि वह छोटी जाति का था, आचार्य द्रोणाचार्य ने उसको वो देने से, क्या बोलते हैं, ज्ञान देने से मना कर दिया, धनुर्धर बनाने से, धनुष विद्या देने से। तो अब यह क्या, दलित विमर्श का विषय हो गया, दलित चिंतन का विषय हो जाता है। तो जो गौड़ अर्थ है वह महत्वपूर्ण हो जाता है आज। उन्हें महत्व प्रदान करने वाले पुनर्पाठ यह सिद्ध करते हैं कि साहित्यिक कृतियां कालजयी होती है। तो यह क्या है, मतलब बार बार हम उसको पढ़कर नए नए अर्थों का संधान करते हैं, नए नए अर्थों तक पहुंचते हैं, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो साहित्यिक कृतियां हैं उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कालजयी होती है। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी वह उतना ही, उनके लिए वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जितना वह हमारे पूर्वजों के लिए महत्वपूर्ण था। उनमें अपने समय से आगे झांकने की शक्ति होती है, समय में परिवर्तन के साथ इन कृतियों के गौड़ अर्थ प्रकाश में लाए जा सकते हैं। विखंडनवाद इस संदर्भ में बेहद उपयोगी आलोचना पद्धति है। मतलब विखंडनवाद ही हमको यह बताता है कि जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, इनका पुनर्पाठ किया जाना चाहिए और इनको, इनके नए अर्थ का संधान किया जाना चाहिए, ताकि जो गौड़ अर्थ हैं, जो कम महत्वपूर्ण अर्थ हैं, वे हमारे सामने आ सके और लोगों तक पहुंच सके। इसलिए यह बहुत ही उपयोगी आलोचना पद्धति है। श्रेष्ठ या कालजयी साहित्य के लेखक की पाठ से मुक्ति। लेखक की पाठ से मुक्ति मतलब जो लेखक है वह लिखकर अलग हो जाता है उसे, और उसका जो अर्थ है वह पाठक के ऊपर छोड़ देता है, आलोचक के ऊपर छोड़ देता है। विखंडनवाद से यह स्पष्ट होता है कि लेखक कृतियों के संदर्भ में वास्तविक रचयिता नहीं होता, मतलब वास्तव में जो लेखक है वह वास्तव में उसकी रचयिता, मतलब निर्माता नहीं होता, अपितु नए पाठों के वास्तविक जनक पहले से मौजूद भाषा पाठ होते हैं। मतलब जो लेखक होता है किसी भी कृति का मौलिक रूप से लेखन नहीं करता है, बल्कि उसके पहले भी उस टाइप के पाठ, उस टाइप की रचनाएं उस लेखक से पहले भी विद्यमान रहती हैं जिसको लेखक ने लिखा है। लेखक पहले से मौजूद पाठों को एक नई शक्ल भर देता है। मतलब पहले से मौजूद पाठ है, जैसे राम की शक्ति पूजा है, उसके पहले से हमारे पास वाल्मीकि रामायण है और रामचरितमानस है तुलसीदास जी की, और वो रामायण है कि हमारे कृतिवास रामायण है। तो अब बहुत सारे पाठ पहले से मौजूद है, अब उसको निराला जी ने अपने हिसाब से लिखा है, नया शकल दे दिया है, भगवान राम को उन्होंने एक असाधारण मनुष्य के रूप में चित्रित कर दिया है राम की शक्ति पूजा में। तो यह है, जब पाठक या आलोचक उसे विखंडित कर रहे होते हैं तो भाषा पाठ पाठक या आलोचक का हो जाता है। तो मतलब लेखक ने अपनी कृति की रचना कर दी, अब लेखक उससे अलग हो गया, कवि अपनी रचना से अलग हो गया, अब किसके हाथ में सौंप दिया उसको, उस अब वो पाठ किसका हो गया, वह जो पाठ है वह कृति है वह पाठक का हो गया या वह आलोचक का हो गया, जो उसको पढ़ता है वह उसका हो गया। मतलब अपनी संपत्ति को दूसरे को सुपुर्द कर देता है कि आप इसको ले लो। तो भाषा पाठ पाठक या आलोचक का हो जाता है। तो लेखक ही पाठ से कृति की मुक्ति, उसके विकास का आधार हो जाती है। और जब लेखक उससे अलग हो जाता है तो जो लेखक का जो पाठ है वह पाठक का हो जाता है, वह आलोचक का हो जाता है, और इसी के कारण उस जितने भी पाठक हैं, जितने भी आलोचक हैं, अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, और जिससे वह रचना और ज्यादा विकसित होने लगती है, वह रचना व्यापक होने लगती है। अब संस्कृति का विकास कैसे होता है इसके माध्यम से, मतलब विखंडनवाद के माध्यम से संस्कृति का विकास कैसे होगा, भाषा पाठों का बृहद उत्पाद होती है। कोई भी भाषा, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा क्या है, विभिन्न प्रकार के इसमें रचनाएं की गई है ना। तो हमारी भाषा समृद्ध कैसे हुई है, विभिन्न प्रकार की रचनाएं हिंदी में हुई है। तो यह भाषा जो है पाठों का बृहद उत्पाद होती है, उनका प्रोडक्ट होती है। विखंडन की मदद से गौड़ अर्थों को प्रकाश में लाने से संस्कृति की प्राचीनता नष्ट हो जाती है, इससे उसे आधुनिक उत्तर आधुनिक रूप में आगे विकसित होने में मदद मिलती है। जैसे मैंने एकलव्य का प्रसंग बताया, तो एकलव्य का प्रसंग उस समय क्या था, महाभारत काल में जो छोटी जाति के लोग थे, जिनको दलित या फिर ऐसा समझा जाता था, उनको विद्या अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, पुराणों का अध्ययन करने
और वेदों का अध्ययन करने या फिर धनुष विद्या सीखने सिर्फ क्षत्रियों का अधिकार था इस टाइप का, तो क्या इसकी प्राचीनता नष्ट हो जाती है विखंडनवाद के द्वारा और हम उसे आधुनिकवाद में उत्तर आधुनिक रूप में आगे विकसित होने में मदद मिलती है। तो आज जो हमारा दलित विमर्श है इस प्रकार हम उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तो यह जो संस्कृति है, संस्कृति का विकास होता है, मतलब पुरानी हमारी मान्यताएं नष्ट होती हैं और नई मान्यताएं जन्म लेती हैं। आलोचना के लोकतंत्र का विकास और विस्तार। विखंडनवादी भाषा पाठ के गौड़ अर्थों को महत्व देता है। अर्थों की बहुलता एक तरह से साहित्य में लोकतांत्रिक आलोचनात्मक चेतना का विकास और विस्तार है। मतलब आलोचना के लोकतंत्र का विस्तार मतलब नए नए आलोचकों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, क्योंकि नए नए आलोचक आते हैं और वे उसमें जो छुपे हुए अर्थ हैं किसी कृति में किसी टेस्ट या पाठ में जो छुपे हुए अर्थ हैं जो गौड़ अर्थ हैं उनको बाहर लाने के उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, उनको लोकतांत्रिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और इसलिए साहित्य में लोकतांत्रिक चेतना का विकास और विस्तार हो जाता है। अब विखंडनवाद की सीमाएं क्या है, इसमें कमियां क्या क्या है। पहला तो है अति अनिश्चयवाद या अर्थ बहुलतावाद, मतलब इसमें किसी शब्द या किसी टेस्ट या किसी पाठ का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इससे क्या हो गया, अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई कि वास्तव में इसका अर्थ है क्या, इस टेस्ट या इस पाठ का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। अर्थ बहुलतावाद मतलब एक ही कृति के बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं, बहुलतावाद बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। विखंडनवाद में भाषा पाठ की अर्थों की इतनी बहुलता प्रकट हो जाती है कि अनिश्चय की भूल भुलैया हमें किसी अटल शून्य गुहा में धकेलने लगती है। मतलब एक ही कृति का हर आलोचक अपनी तरह से आलोचना करता है, नए नए अर्थ उसमें भर देता है, एक पाठक अपने अपने तरीके से समझता है, अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करता है, उसको समझता है। तो इस प्रकार किसी भी टेस्ट या पाठ का कोई निश्चित अर्थ तक कोई कभी पहुंच नहीं सकता, तो यह भूल भुलैया बन जाती है। एक अर्थ आता है पुराने अर्थ को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, फिर नया अर्थ आता है उसको विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार हम किसी निश्चित अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इतिहास के इतिहास बोध का भी विखंडन। अब जो इतिहास है, इतिहास का इतिहास बोध है। अब इतिहास बोध को यदि हम विखंडनवादी विचारधारा से ग्रहण करेंगे तो हम तो हर बार हमारा जो इतिहास तो इतिहास ही नहीं रह जाएगा, वो काल्पनिक स्थान ले लेगा। दरिदा इतिहास को भी एक भाषा पाठ बना देते हैं, वो बोलते हैं इतिहास भी एक भाषा पाठ है, टेस्ट है, जबकि इतिहास वर्तमान में इतिहास बोध की तरह जीवंत रहता है। हमारे इतिहास में जो घटनाएं जो घट चुकी हैं अब उसका नए नए सिरे से हम व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वे वास्तविक घटनाएं जो हुई हैं उनकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। परंतु विखंडनवादी उसे भी विखंडनी बनाकर विकास के संभावनाओं तक को नष्ट कर देते हैं। जैसे मुगल काल के हम बारे में पढ़ रहे हैं तो मुगल काल की जो स्थिति है वैसी रहेगी, अंग्रेजों के समय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो जो स्थिति वास्तविकता है वह इतिहास में उल्लेख है, अतः विखंडनवादी विचारधारा से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो यहां पर यह असफल रहता है। अब हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। विखंडनवाद का संबंध मूलतः जागदारिदा से, इससे अभिप्राय है भाषा में पहले से निर्धारित या निश्चित कर लिए गए अर्थ को विखंडित कर ऐसे दूसरे अर्थों को ले आना जिन्हें मुख्य अर्थ गौड़ बना देता है। मतलब विखंडन का तात्पर्य भाषा में जो अर्थ पहले से निर्धारित कर लिए गए हैं जिन्हें मुख्य अर्थ हम समझते हैं उन अर्थों को हटाकर गौड़ अर्थ को ऊपर लेकर आना, सामने लेकर आना, हासिया की चीजों को बाहर लेकर आना जिन्हें मुख्य अर्थ ने गौड़ बना दिया है। जैसे मैंने पंकज का उदाहरण दिया, पंकज का मुख्य अर्थ है कमल, अब कमल उसके लिए रूढ़ हो गया, लेकिन विखंडनवाद क्या कहता है कि कमल को हटाओ, उसके जगह में कीचड़ में उत्पन्न होने वाले जो अर्थ है उसको बाहर लेकर आओ। विखंडनवाद मूलतः भाषा में पूर्व निश्चित मुख्य अर्थ की किसी नए अर्थ से विस्थापन की प्रविधि या पद्धति है, यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है। विखंडनवाद क्या है, भाषा में जो पहले से जो अर्थ निर्धारित कर दिए गए हैं उन अर्थों को हटाकर नए नए अर्थों को सामने लेकर आता है, उन्हें विस्थापित करता है। तो यह जो प्रक्रिया है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है। पहले जो अर्थ है उसको नया अर्थ आता है वह उसको हटा देता है, उसके बाद कोई नया अर्थ आता है वो फिर उस अर्थ को हटा देता है, इस प्रकार नए नए अर्थ आते रहते हैं। इस प्रकार यह श्रृंखला चलती रहती है, जैसे परमाणु बम का विखंडन होता है, एटम बम का। विखंडनवाद में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि भाषा की किसी कृति या संरचना में कोई भी अर्थ इतना वर्चस्वपूर्ण नहीं हो कि वह अन्य अर्थों का गौड़ बनाने की स्थिति में चला जाए। मतलब कोई भी कृति या संरचना में कोई भी कृति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह बिल्कुल अपना वर्चस्व स्थापित कर ले ताकि उसका नई प्रकार से व्याख्या ना हो सके। जैसे पंकज है, पंकज का अर्थ कमल है, तो कमल इतना वर्चस्ववादी ना बन जाए कि कीचड़ में जन्म लेने वाला उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वे नेपथ्य में चले जाएं, गौड़ हो जाएं। विखंडनवाद वर्चस्ववाद के खिलाफ एक चुनौती की तरह हमारे सामने आता है। तो वर्चस्ववाद मतलब जो दादागिरी है शब्दों की, तो उनको हटाना चाहता है विखंडनवाद, उनके सामने चुनौती पेश करता है। विखंडनवाद वर्चस्ववाद का विखंडन तो करती है पर उसका विकल्प हमारे सामने नहीं लाती। अब विखंडनवाद क्या चुनौती तो पेश करती है लेकिन उसका विकल्प हमारे सामने नहीं लाती, मतलब कोई निश्चित अर्थ हमें नहीं देता विखंडनवाद।
कि भाई इस अर्थ को हमने हटा दिया है, अब ये अर्थ फाइनल है, ये निश्चित है, तो ऐसा कोई हमको विकल्प नहीं देता। अर्थ मीमांसा में विकल्पहीनता उसकी मुख्य सीमा है, इसे अनेक विखंडनवादी अर्थमूलक अनिश्चितता भी कहते हैं। इसीलिए विखंडनवाद को क्या कहा जाता है, अर्थमूलक अनिश्चितता, मतलब किसी भी निश्चित अर्थ तक विखंडनवाद कभी नहीं पहुंचता, वह हमें अर्थों की भूल भुलैया में ढकेल देता है, वहां पर हम भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार विखंडनवाद क्या कहता है, एक अर्थ को हटाकर उसके जगह में नए अर्थ लाने को विखंडनवाद कहा जाता है, और विखंडन की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह आज हमने विखंडनवाद को समझने का प्रयास किया, जहां तक आप लोगों ने इसे भली भांति समझ लिया होगा। यदि मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इसका जो नोट्स है उसका PDF है, मैं नीचे दे दिया हूं। साथ ही यदि आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पर व्यक्तिगत रूप से आप मेरे संपर्क में रह सकते हैं। धन्यवाद।